सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बातें करती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे दो कदम आगे हैं। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है, इसीलिए खुद पर भरोसा रखें। आज का पंचांग 16 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 12:35 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज कर मूल नामक नक्षत्र रात्रि 2:17 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रात्रि 1:22 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगी। कन्या राशि 16 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, आज आप बारीकियों पर बहुत ध्यान देंगे। आप किसी परियोजना के ब्योरे बार योजना बनाने में जुटे हुए हैं और आप इस पर बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। आपकी यह मेहनत आपके काम में भी दिखाई देगी और इस काम के लिए आपको काफी तारीफ मिलेगी। आपके काम में आज पूरा दिन सृजनात्मकता भी बनी रहेगी। कार्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, गपशप या संभावित दुश्मनों के बारे में चिंता करने से बचें। आपको परिश्रम करना है और यही दिशा में और सही दिशा में आगे बढ़ना है। अभी आप पेमेंट या सेवाओं के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए धन चिंता का विषय हो सकता है। उन सभी के साथ रहें जो आपके ऊपर निर्भर हैं, जैसे अधीनस्थ रिश्तेदार और पालतू जानवरों आदि। जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करना आपके तनाव और अकेलेपन की भावना को कम करेगा। संगीत या थिएटर जैसे सुखद मनोरंजनों की तलाश करें। कड़ी मेहनत से आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। आज आपका परिवार, दोस्तों और आपके निजी मामले आपको व्यस्त रखेंगे। इस समय आप अतीत की सुखद यादों को एक दूसरे से शेयर करने के लिए उत्साहित हो सकती हैं। कोई भी काम करने के लिए शांति की जरूरत है, इसीलिए आराम करें और अपनी ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। यह समय आपके परिजनों के साथ बातचीत का भी है। घरेलू मामले को लेकर चिंतित हो सकती हैं। यह समय व्यस्त जीवन और चिंताओं की तरफ भी इशारा कर रहा है। अधिक काम के दबाव को कम करने के लिए उसे व्यवस्थित करके प्राथमिकता के अनुसार कार्य करें। पीने की आदत को अलविदा कहने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आपको समझना चाहिए कि शराब सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन है और यह आपकी क्षमताओं पर भी परेशानियां खड़ी कर सकता है। आज के दिन धन हानि होने की भी संभावना है, इसलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला ना लें। हो सकते है कि वे दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करें। बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाने की नई कदम ताल करने के लिए नई तकनीक से तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण रहेगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं। ये उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। भाग्योदयदायक समय चल रहा है। आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। कुछ समय घर के वरिष्ठ लोगों के साथ भी व्यतीत करें। अपने व्यक्तित्व की तुलना अन्य लोगों के साथ करने की वजह से खुद के प्रति नकारात्मकता बढ़ सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको इन बातों से खुद को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इस बात संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगा। जिन लोगों के द्वारा टिप्पणी प्राप्त होती है उन पर किस हद तक ध्यान देना है इस बात पर भी गहराई से विचार जरूर करें।
हर एक बेकार की बात से खुद को दूर रखते हुए केवल अपने काम पर फोकस करें। काम में प्रगति के लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। महिला वर्ग को काम में बड़ी मात्रा में प्रगति प्राप्त हो सकती है। रिलेशनशिप संबंधित निर्माण हुई समस्या को दूर करने के लिए पार्टनर और परिवार दोनों का साथ मिलेगा। लो बीपी और शुगर के कारण तकलीफ हो सकती है। सावधानियां: अपनी योग्यता और क्षमता पर भी विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर आपका कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय ना ले। बात करते हैं लव लाइफ की। आप और आपके साथी हाल ही में काफी व्यस्त थे, इसीलिए आज एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रयत्न करें। रात्रिकालीन भोजन करने किसी अच्छी जगह जाएं, जहां आपका साथी आपकी ओर आकर्षित हो सके। प्रशंसा की भाव गंभीरता आपके रिश्ते को और आगे लेकर जाएगी। एकल व्यक्तियों के लिए भी किसी के साथ बाहर जाना महत्वपूर्ण होगा, जो उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। आज अधिक भावुक महसूस कर सकते हैं। अपने प्रेमी दोस्त या किसी प्रियजन के साथ समय बिताने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इस समय बचें। अपने काम के साथ कम समय व्यतीत करेंगे और घरेलू मामलों में अधिक व्यस्त रह सकते हैं। आप अभी उदास या चिंतित हो सकते हैं, ऐसे में अपने पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताएं। याद रखें, आज आप जो बोएंगे कल वैसा ही फल पाएंगे। बात चाहे प्यार की हो या अन्य व्यवसाय कार्यों की, जोखिम लेने से पीछे ना हटें। बात करती है करियर की। वर्तमान में एक दुर्घटना या चोट आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अभी उस सहकर्मी और हम उम्र व्यक्ति से मिले जिसके साथ आपके मतभेद हैं। आपके पास जो भी साधन मौजूद है उनके माध्यम से प्रभावी बातचीत करें और ध्यान रखें कि आप बोलने से अधिक सुने। अपनी इस योजना को बढ़ावा देने के लिए भी यह चरण शुभ है, जो अभी आपके दिमाग में है। कड़ी मेहनत करते रहें और दूसरे लोग आपको नोटिस करेंगे। बहुत से लोग आप पर निर्भर हैं, इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके बारे में सोचें। आपकी एकाग्रता में तेजी आई है, जिसका आपको पूरी तरह से उपयोग करना होगा। आप अपने करीबी लोगों की चिंताओं से अवगत हैं, जिनको दूर करने के लिए कोई उपाय करें। कामकाज के मोर्चे पर यह दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हुआ है, इसलिए इस समय अतिरिक्त काम का आना आपको नापसंद आ सकता है। इस पर विचार करें कि कैसे आप अपने काम को किसी और को सौंप सकते हैं। अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है, और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से डरते नहीं हैं। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं, और आप बहुत ही व्यवहारिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र और करियर के मुद्दे से निपटने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम पूरे करें और आज आप अपने अच्छे काम पूरे करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। बात करती है सेहत की। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार है और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन ना भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आज का उपाय: आज आप केले के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।